हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। फ्रेंड्स, आज इससे जुड़े हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इससे पहले के पार्ट। इससे पहले हम और भी सीरीज ला चुके हैं जो कि हमारे एमपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और आंसर जरूर दीजिएगा जिससे जुड़ी जानकारी अगर हो तो वो भी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? मतलब काला हिरण जो है वो कहाँ का विशेष आकर्षण है? बगदरा अभयारण्य का, पेंच नेशनल पार्क का, सतपुरा अभयारण्य का, या संजय डुबरी का? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है सतपुड़ा अभयारण्य का। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा अभयारण्य स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर काला हिरण है जो विशेष आकर्षण का विशेष आकर्षण है, जो कि सतपुड़ा अभयारण्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा में एक इंडियन बाइसन के नाम से एक जीव पाया जाता है, उसको और उसका एक और नाम है जिसको जिसका आंसर है गौर। फ्रेंड्स, गौर जो है वो सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा जीव है जो जिसको बाघ का बिल्कुल भी भय नहीं है और सारे अभयारण्य में मोस्टली पाया जाता है, तो इसका आंसर भी आएगा गौर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, हमारे आंसर बताने से पहले आप कोशिश करें कि खुद ही आंसर सेलेक्ट करो, अपनी कॉपी में लिखो और लास्ट में देखो कि आप कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजना की कुल संख्या कितनी है? इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है उसकी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने हैं? तो इसका आंसर आता है फ्रेंड्स 7। मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 अभयारण्य जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत घोषित है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर बनेगा 6, लेकिन 1 अभयारण्य भी है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्य जीव अभयारण्य, डिडोरी राष्ट्रीय उद्यान, या बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य? इसमें पूछा है कि कौन सा है जो होशंगाबाद में है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है बोरी अभयारण्य। बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो होशंगाबाद में है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में हुई थी, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बर्स्ट के संरक्षण के लिए जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बर्स्ट के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है घाटीगांव। घाटीगांव अभयारण्य कहाँ पर है? यह शिवपुरी में स्थित है। अगर ग्रेट इंडियन बर्स्ट की जगह अगर सोन चिड़िया लिखा जाए तो वो भी उसी का मतलब है। तो वह अभयारण्य जहाँ पर सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर भी आएगा फ्रेंड्स घाटीगांव, जो कि शिवपुरी में है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी घाटीगांव जो है वो ग्वालियर में है। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ियालों का प्रजनन स्थल है कौन सा अभयारण्य जो कि घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? फ्रेंड्स, घड़ियाल कहाँ पर पाई जाती है, उनको प्रजनन केंद्र माना जाता है, ऐसा कौन सा अभयारण्य है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सोन। सोन अभयारण्य जो है वो घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। फ्रेंड्स, सोन अभयारण्य जो है वो सीधी और शहडोल जिले के अंतर्गत सोन नदी पर स्थित है, और यहाँ पर घड़ियालों का प्रजनन स्थल है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आता है जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। तो बाकी जो है बांधवगढ़, कान्हा और माधव, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड्स जो उद्यान है जो आप बांधवगढ़, कान्हा, माधव, इनके बारे में हम बता चुके कहाँ पर है, इनका इनकी स्थापना कब हुई थी, इनको प्रोजेक्ट टाइगर में कब कब शामिल किया था, इसके बारे में हम जानकारी भी दे चुके हैं और भी देते रहेंगे। आज पार्ट टू है तो आप बने रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारण सोहन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स करेरा पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है, मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व कौन सा है जो बाघ का संरक्षण करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पन्ना रिजर्व। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित पन्ना रिजर्व है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और इसको 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। फ्रेंड्स 2015-16 के दौरान यहाँ बाघों की मौत के बाद ये चर्चा में आ गया था और उसके बाद यहाँ पर बाघ की संरक्षण, बाघ को संरक्षण करने की दिशा में बहुत ही प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बाघों की मौत हो चुकी थी इसलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, पैराडाइज पलाइकर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है, कहाँ पर है यह? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनता है शिवपुरी अभ्यारण्य। पैराडाइज पलाइकर यहाँ पर बहुत ही आम पक्षी है तो यह है शिवपुरी में। फ्रेंड्स पैराडाइज पलाइकर यानी कि होता है दूधरा जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है, यह आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो पैराडाइज पलाइकर है, इसका नाम दूधराज भी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आता है शिवपुरी अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं, आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा कौन सा है? अब करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए कि करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है और उसके पास कौन सा हवाई अड्डा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ग्वालियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप खजुराहो जाएं तो यहाँ जाना आसान होगा। अगर आप खजुराहो जाएंगे तो उसके पास कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं? इनमें ऑप्शन देखते हैं, मांडू में हुसैन शाह का मकबरा, क्या ये खजुराहो के पास है? केन घड़ियाल अभ्यारण्य, क्या ये खजुराहो के पास है? भोजपुर है या सांची का स्तूप है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि खजुराहो, अगर आप खजुराहो जाएंगे तो केन अभ्यारण्य जाना पास में होगा क्योंकि जो केन अभ्यारण्य है वो छतरपुर में ही स्थित है और जो खजुराहो है वो भी छतरपुर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डॉगी, नाव, जीप और चलने की सवारी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान डॉगी, हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है। तो कौन सा अभ्यारण्य है? सतपुड़ा। फ्रेंड्स सतपुड़ा अभ्यारण्य है ये, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क खरमोर से बाघ संरक्षण केंद्र है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो बाघ संरक्षण केंद्र है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आने वाला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी जिसे 1999 से 2000 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जीवाश्म है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पाम जीवाश्म। नेक्स्ट देखते हैं, बांधवगढ़ अभ्यारण्य कौन किस में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हुआ? बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है वो कौन से सन में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1968 में। 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है
सांभर, सांभर जो है वो सबसे बड़ा भारतीय हिरण माना जाता है, उसको आप एक बार गूगल करके देखना, बहुत ही बड़ा हिरण है। नेक्स्ट देखते हैं, फेन अभयारण्य कहाँ पर है? फेन अभयारण्य कहाँ पर है, मंडला, रीवा, सीधी या जबलपुर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनता है मंडला में, फेन अभयारण्य मंडला में है। नेक्स्ट देखते हैं, केन अभयारण्य कहाँ पर है? केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है छतरपुर, केन छतरपुर में है, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन से अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य है जो चीतों के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो है उमरिया में है और यह चीतों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक अभयारण्य जो भिंड में स्थित है, भिंड में कौन सा अभयारण्य है? भिंड अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य या शिवपुरी अभयारण्य? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो कि भिंड में स्थित है। फ्रेंड्स चंबल नदी जो है वो भिंड में ही है और इसी के कारण इस अभयारण्य का नाम चंबल घड़ियाल अभयारण्य रखा गया। फ्रेंड्स घड़ियाल जो है वो उसका संरक्षण यहीं पर होता है, उसका प्रजनन केंद्र भी यहीं पर है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनता है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं, जिला डिंडोरी खालिस्तान का हिस्सा है। डिंडोरी जिला जो है वो कौन से अभयारण्य या उद्यान का हिस्सा है? सतपुड़ा अभयारण्य का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, बोरी अभयारण्य का या संजय डुबरी अभयारण्य का? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। डिंडोरी जिला वो जो है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CZA यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी किसको संदर्भित करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी किसको संदर्भित करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण। जो जू अथॉरिटी है वो मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है किसकी सुरक्षा के लिए? सरदारपुर अभयारण्य पूरा प्रतिबंधित है किसके लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है खरमोर पक्षी के लिए। खरमोर पक्षी है सरदारपुर अभयारण्य में और उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसको प्रबंधित कर दिया गया है। फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी पार्क कहाँ पर स्थित है? प्रियदर्शनी पार्क कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स प्रियदर्शनी पार्क का एक और नाम है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स आशा करती हूँ सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।